हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको तैयारी कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप तो आज का सेशन हम चालू करें, उसके पहले सेशन को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और सेशन को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट इसका हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अभी तक हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर और इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो डायपोल की वजह से किसी भी एक जनरल पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक डायपोल। सबसे पहले हमने बना लिया एक डायपोल, ये हमारे पास एक चार्ज हो गया माइनस क्यू और ये चार्ज हो गया प्लस क्यू। दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे पर दोनों का जो साइन है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको लिख लिया हमने कितना, 2a। कितना लिख लिया, 2a लिख लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होने वाली है a। हमें किसी भी जनरल पॉइंट पर लेना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से O से, इसको नाम देता हूँ मैं O, तो इस O पॉइंट से ये डिस्टेंस है कितनी, R। और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं लेट सपोज A। तो इस A पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो माइनस क्यू से और प्लस क्यू की तरफ अगर जा रहा है तो यहाँ से यहाँ पर क्या बन गया, डायपोल बन गया। और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस से किधर की तरफ, प्लस की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक डायपोल होगा P, ठीक। अभी तक हमें जो पता है वो पता है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर और कहाँ पर, इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। कहने का मतलब कि अभी तक हमें जो पता है, हमें पता है कि एक डायपोल के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करना हो कहाँ पर, उसके एक्सियल पॉइंट पर, ये अगर माइनस क्यू है और ये अगर प्लस क्यू है और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यानी कि इसके एक्सियल पॉइंट पर, तो ये इसका सेंटर है। यहाँ से डिस्टेंस हम ले लेते हैं ए आर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी ले लेते हैं, 2a। ऐसा ही कुछ करते हैं हम। तो यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमें पता है एक्सियल पॉइंट पर कितनी आती है, वो आती है 2kp r ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर पूरे का स्क्वायर। ये पॉइंट, ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसमें भी हम स्पेशल केस बनाते हैं, क्या स्पेशल केस बनाते हैं, इफ़ r ग्रेटर देन a। यदि r a से बड़ा है तो a को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, उसको हम क्या लिखते हैं, 2kp अपॉन r क्यू, ठीक है। और डायरेक्शन कहाँ तक होती है, माइनस पी से प्लस क्यू, यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो कहाँ पर आ गया, एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर। फिर इसी से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जो ये डायपोल वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन हो कोई, और कहाँ से पास हो रही हो, सेंटर से इस पास हो रही हो, तो उस लाइन के ऊपर जो कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पर जो फील्ड निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विटोरियल पॉइंट। यानी कि यहाँ पर निकालते हैं हम, और यहाँ पर ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो इसका हमें पता है कि जो डायरेक्शन आती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, यानी कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है डायपोल की माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होती है, जबकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो किधर से किधर आता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। और उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ई इक्विटोरियल की, वो आती है के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और यहाँ पर भी स्पेशल केस की अगर हम बात करें, इफ़ आर ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं के पी ओवर आर क्यूब। तो अब हमें ये दो वैल्यूज़ पता है, एक इक्विटोरियल के लिए और एक एक्सियल पॉइंट के लिए। यहाँ पर हमें
जो सीन सिनेरियो दिया हुआ है उसमें ये जो पॉइंट है ना तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है और ना ही एक्सियल पॉइंट के ऊपर है, ये कोई भी एक आर्बिट्रेली डिस्टेंस के ऊपर है, कोई भी रैंडम डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि हमारा अगर डाइपोल इस लाइन के किसी तरह से परपेंडिकुलर आ जाए तो ये पॉइंट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इक्वेटोरियल हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा हो जाए डाइपोल और ये जो पॉइंट है दोनों को एक्सियल हो जाए, तो ये पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ से ये जो डाइपोल है इस लाइन से एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, लेट डाइपोल डाइपोल मेड एन एंगल थीटा विद द लाइन, कौन सी लाइन, इस लाइन के साथ। अब अगर हमें ये हमें पता है कि अगर किसी जो कोई भी चीज़ है किसी एंगल पर है तो उसके क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, जिसके साथ एंगल होगा उसके साथ क्या आएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, साइन। तो कॉस जिसके साथ एंगल है तो इसके साथ एंगल है तो इसके साथ क्या आएगा, कॉस। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा इसका ऐसा, है ना, यहाँ पर कंपोनेंट आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू, और ये जो कंपोनेंट आएगा इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे पी कॉस थीटा। और सिमिलरली एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे जाएगा, ऐसे, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा क्या, प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी साइन थीटा। तो ये जो है ये वाला डाइपोल, कौन सा, पी कॉस थीटा वाला डाइपोल, उसके लिए ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, कोएक्सियल, और जो ये वाला पॉइंट है पी साइन थीटा वाला, उस इसके लिए ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल। तो इस पी कॉस थीटा की वजह से अगर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई वन, तो वो आएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और इस पी साइन थीटा की वजह से आएगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब इसको हम ब्रॉडर व्यू में देखते हैं, यानी कि इसको बाहर निकाल कर अलग करके हम इसको देखते हैं। तो हमारे पास अगर पी कॉस थीटा वाले की मैं बात करूं, तो फॉर पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा मतलब क्या है कि जो डाइपोल है पी उसका जो कंपोनेंट है एक पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा के लिए ये पी कॉस थीटा हो गया, और ये डाइपोल बन रहा था यहाँ पर ये माइनस क्यू था और ये बन रहा था कितना, प्लस क्यू, और इसी लाइन के ऊपर पॉइंट था और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर था, यहाँ पर ए, और ये डिस्टेंस थी कितनी, आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, डायपोल की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा, और इसको हम लिख देंगे ई वन। तो हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, वो होता है 2kp/r³। अब p की जगह यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर p की जगह हो गया p cos थीटा, तो हम क्या लिख देंगे, E1 को कितना लिख देंगे, 2kp cos थीटा/r³। अब एक डाउट ये आएगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला कंसिडर क्यों नहीं किया, हमने ये क्यों कंसिडर कर लिया कि r ग्रेटर देन a है। देखो, यदि हम इसको कंसिडर कर लेते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास ये कॉम्पोनेंट्स वगैरह आ चुके हैं, और ये कंपोनेंट्स वगैरह आ चुके हैं, तो हम जब फाइनल कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको सॉल्व करना पल पाना बहुत लेबोरियस काम हो जाएगा। इसलिए हम पहले से ही अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर देन ए है, इसलिए हमने डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लिया, ना कि ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये तो आ गया किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आया कौन सा, फॉर पी साइन थीटा, फॉर पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, पी साइन थीटा के लिए अगर बात करें तो पी साइन थीटा में कुछ इस तरह से बन रहा है, और यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये डिस्टेंस है आर, और ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो डायपोल की डायरेक्शन तो ये होगी और कितनी होगी, पी साइन थीटा। अब हमें पता है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है किसके, डायपोल की डायरेक्शन के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ऐसे, और E2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी होती है, kp/r³, तो kp/r³ यहाँ पर पी की जगह कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा। तो E2 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, kp/r³। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन दो।
अब दोनों को यदि हम कंबाइंड करके लिखें, तो दोनों को कंबाइंड करके लिखोगे तो कुछ ये ऐसा बनेगा। ये लाइन बना दो सीधी, और यहाँ पर एक डाइपोल हो गया माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, और ये हो गया पी कॉस थीटा, और यहाँ पर एक डाइपोल हो गया माइनस क्यू से लेके और कहाँ तक प्लस क्यू तक, ये हो गया पी साइन थीटा। इस पी क्यू कॉस थीटा की वजह से आया ये E1, और इस पी साइन थीटा की वजह से आया ये वाला E2। तो ये दोनों हो गए। अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये क्या आ गया ER। तो रिजल्टेंट जो आएगा ER, उसकी वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, E1² + E2², यही आएगी ना, ऐसे ही निकालते हैं हम रिजल्टेंट। वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो E1 जो है उसका स्क्वायर करना है तो कितना बनेगा, ये बनेगा 4K² P² ओवर, ये हो जाएगा R^6 और cos² थीटा, प्लस ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, K²P² और sin²θ/R^6। देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है K²P² / R^6, जो कि बाहर आकर कितना हो जाएगा, KP/R³। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो बचेगा ER, ये बाहर आ गया KP/R³, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा 4cos²θ + sin²θ। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 4cos²θ, इसको हम ऐसे लिख दें 3cos²θ + cos²θ + sin²θ, ऐसा कर सकते हैं ना भाई। ऐसा करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई है नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो cos²+sin²θ ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया, तो यहाँ से ER की वैल्यू आ गई कितनी, KP/R³, और ये कितना हो गया 3cos²θ + 1, 3cos²θ + 1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई किसकी, किसकी वैल्यू आ गई किसी भी जनरल पॉइंट पर। अब देखो यहाँ से ही अगर इससे आप डायरेक्ट निकालना चाहो इक्विटोरियल पॉइंट पर और कहाँ पर, एक्सियल पर, तो क्रॉस चेक आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो एट इक्विटोरियल पॉइंट, तो इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर कितना आ जाएगा, ये KP/R³। अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहो तो एक्सियल पॉइंट पर निकाल लो, एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगी। तो E=, कितना हो जाएगा, KP/R³। अब देखो ये जो cos²θ, इसमें cos 0 रखो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 होती है, तो 3 रह जाएगा यहाँ पर, 3+1, 3+1 हो जाएगा 4, और अंडर रूट में 4 है तो अंडर रूट में 4 वैल्यू क्या दे देगा, 2। तो ये कितना बन जाएगा, 2KP/R³। तो वही वैल्यू आ गई किसकी, एक्सियल पॉइंट वाले की जो सेम वैल्यू वही आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्विटोरियल की। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये आ गया था हमारा E2 कुछ ऐसे, ये आया था हमारा रिजल्टेंट ER, और ये आया था हमारा क्या, E1, कुछ इस तरह से आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल बना लेंगे, यहाँ से एंगल बना लो, मान लो ये एंगल जो है, ये एंगल है अल्फा एंगल है, तो यहाँ से इसके पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है, तो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो अब यहाँ से हम टेन अल्फा एंगल की वैल्यू ले सकते हैं, तो टेन अल्फा किसके बराबर हो गया, E1/E2, ठीक है। तो टेन अल्फा E1 की जो वैल्यू है, E1 मतलब कितना, E1 मतलब ये वाला कितना है, 2KP cos थीटा वाला है ना, तो ये कितना हो गया, 2KP cos θ/R³, और ये कितना है E2, ये है KP sin θ/R³। तो क्या क्या कट रहा है, काट दो, क्या क्या कट रहा है भाई, ये कटा मेरा R³, एक मेरा कटा R³, ये KP और ये KP। तो ये साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ गया, तो ये बन गया 2/sin θ/cos θ। तो ये बना टेन अल्फा इजक्वल्स टू 2/tan θ। तो ये रिलेशन बन गया किसमें, एंगल
जो डाइपोल एंगल बना रहा है उसमें और जो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा उसके अंदर रिलेशन बन गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सिमिलरली इसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है या इसकी एप्लीकेशन, यानी कि कोई थीटा एंगल की वैल्यू दे दी और किसी पॉइंट पर हमसे क्या निकलवा लिया, रिजल्टेंट की वैल्यू निकलवा ली, है ना, या फिर पूछ लिया कि एक्सियल पॉइंट पर वैल्यू निकाल दो और किस पर निकाल दो, इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल दो। तो होपफुली ये जो जितना भी हमने पढ़ा है आज, ये जो डाइपोल के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और ये आपका शेयर करना ही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। इससे हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हम और इसी तरह के और अच्छे वीडियोज़ बना सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह के वो एक अच्छे वीडियो में।